بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين إمام المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم صلوات الله صلى الله عليه وسلم عزیزان ایمانی اور مسلمانان حسینی، قرآن کریم کی آیت الکرسی کے ضمن میں قیومیت حق یا نظام حق اور قیام حسین، اس عنوان سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور آج اس عزا خانے کی آخری مجلس ہے۔ بہت انتظار رہتا ہے محرم کا، اور کیسی سرعت کے ساتھ محرم گزر گیا۔ بہرحال انشاءاللہ اگر زندگی نے وفا کی تو یہ گفتگو پھر جاری رہے گی انشاءاللہ۔ گفتگو کا آغاز ہوا ہے، ابھی گفتگو کسی منزل تک نہیں پہنچی۔ اب یہ مقرر عرض کرتا رہا ہوں، لیکن یہ اس مقرر جملے میں بھی جو کیفیت مجھے محسوس ہوتی ہے، اس لیے کہ اس مقرر جملے میں بھی جو عظمت قرآنی سامنے آتی ہے وہ اپنی جگہ مسلم ہے۔ کہ یوں تو قرآن مجید کی ہر آیت بے پناہ ہے، لیکن آیت الکرسی جس میں احاطہ ذات الہی کا بیان ہے کہ وسع کرسیہ السماوات والارض، حق سبحانہ و تعالیٰ کے اقتدار نے، اس کی سلطنت نے، اس کے علم نے، اس کی قدرت نے تمام آسمانوں اور زمین کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ جہاں اس احاطے کا بیان ہو، اس بیان کا احاطہ بھی ہم جیسے ناقص کیسے کر سکتے ہیں؟ آیت الکرسی، مکمل آیت الکرسی تو اپنی جگہ، اگر کئی برس تک یہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے تو آیت الکرسی کے مطالب ختم ہونے والے نہیں، لیکن خود اسم مبارک الحی القیوم
मैंने गुजारिश की कि तमाम अस्माए हुस्ना इस अल्हय्युल क़य्यूम में समोए हुए हैं। कल तक गुफ्तगू जिस मंजिल तक पहुंच गई वो यकीनन तालिब इल्मों के लिए तो बहुत फ़िक्रंगेज़ है। ज़ात हक़ लामुतनाही है, उसका फैज़ भी गैर मुनक़ति है और उसका फैज़ान भी लामुतनाही है। और चूँकि ये आलम हस्ती और आलम खिलकत फैज़ हक़ है, इसलिए ये आलम खिलकत भी लामुतनाही है। इस एतबार से जो हमारे साइंसदान हजरात कभी कभी कहते हैं कि हमने टेलीस्कोप के ज़रिए से कायनात के किनारों तक नज़र डाली, कायनात के किनारे ही नहीं हैं तो आपकी नज़र कैसे। जितनी दूर भी नज़र पहुंच जाए समझिए बस अपने इर्द गिर्द देख लिया। आपको नज़र नहीं कायनात कितनी वसी है। जितनी कवी टेलीस्कोप भी हो और जहां तक भी नज़र पहुंचे, जहां तक आपकी नज़र पहुंच जाए समझिए कि वह आपके इर्द गिर्द गर्दिश कर रही है नज़र, वरना वसअत कायनात अरसे वजूद की पहनाई आलम हस्ती की वसअत और बुलंदी और गहराई लामुतनाही है। क्यों लामुतनाही है? इसलिए कि खालिक लामुतनाही है। जिसके पास जो होता है वो वही देता है, ये याद होगा ना, जो जैसा होता है वो वैसा ही खल्क करता है, ये भी याद होगा। वो खैर महज है, उसने जो कुछ खल्क किया खैर। वो हक है, उसने जो कुछ खल्क फरमाया हक। वो हई है, उसने जो कुछ खल्क फरमाया उसमें भी हयात की तजल्ली है। जो कुछ भी आपको नज़र आता है उसमें हयात की कोई ना कोई रमक है, आप उसे दर्क कर सकें या दर्क ना कर सकें। देखिए मसले दकीक छिड़ जाते हैं। जिस चीज़ को आप जमात समझते हैं उसको वजूद हासिल है या नहीं, और अगर वजूद का के कायल होंगे आप तो हयात मुसाविक़े वजूद है। हयात मुसाविक़े वजूद है, ये बहुत ही गरीब कलिमा है आपके लिए। मगर देखिए फिर मिसाल अर्ज़ करके लोग इतराज़ करते हैं, ये बहुत मुश्किल अल्फाज ले आते हैं। मुश्किल अल्फाज ले आना कोई इल्मी जुर्म है? मुश्किल मतालिब ले आना और मुश्किल मतालिब से रोशनास करना कोई इल्मी जुर्म है, या इल्मी मतालिब का कबूल न करना इल्मी जुर्म है? आप अंग्रेजी डिक्शनरी फिर वही मिसाल दूंगा बच्चों वाली कि हर साल इंग्लिश डिक्शनरी का नया एडिशन आता है, उसमें कुछ नई डिफिनेशन ऐड होती हैं, कुछ नए वर्ड्स ऐड होते हैं, कुछ पुराने वर्ड्स निकाल दिए जाते हैं। ये और बात है कि वो नए वर्ड्स की सतह जो है वो मानवीय एतबार से बुलंद नहीं, बल्कि हर साल देखिए तो उसकी क्वालिटी कैफियत सियाक सबाक के एतबार से, तहजीबी एतबार से, सकाफती एतबार से वो पस्त से पस्तर होती चली जा रही है। ये एक अलग बहस है, मगर इजाफा कुछ ना कुछ हो रहा है। कभी कभी कुछ अच्छी असलाहें भी इजाफा हो जाती हैं,
आप क्यों इस बात पर मुसर हैं कि जो डिक्शन आपका, जो लफ्जियात का ज़खीरा और जो उसलूब आपका 100 बरस पहले था या 200 बरस पहले था या 400 बरस पहले था वही बाकी रहे? ये जुमूद किस लिए? जिसे बाकी रहना है वो बाकी रहेगा चाहे आप बिगाड़ना चाहें। कुरान मजीद बाकी रहने के लिए आया है, बाकी रहेगा। कुरान मजीद की आयतें दोहराई जाती रहेंगी मगर वो हमेशा कंदे मुकर्रर महसूस होंगी, वो कभी फरसूदा नहीं होंगी, उनकी लज्जत में कभी कभी कमी नहीं आएगी। सुखनान पैगंबर, सुखनान मासूमीन, पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अइमा अतहार के खुतबात और कलिमात और कलिमात क़िसार वो वही हैं, बाकी रहेंगे। लेकिन उनकी रोशनी में अक्ल बशरी जो तरक्की कर रही है उसकी अपनी ज़रूरत है कि नए अल्फाज, नई तारीफात, नई ताबीरात, नई तशबीहें, नए इस्तियारे, नए मबाहिस शामिल किए जाएं, बात आगे बढ़ाई जाए। एक सवाल परसों से बार बार मेरे सामने लाया जा रहा है और इस वक्त बतौर ख़ास लाया गया और सवाल अहम भी है, लेकिन अब जो तहरीरी शक्ल में सवाल आया मेरे सामने तो अंदाज़ा हुआ कि बात समझी ही नहीं गई, और इसलिए अच्छा सवाल अच्छा होने के बावजूद अच्छा नहीं रह गया। सवाल अगर उस सतह से होता तो बहुत उम्दा सवाल था। मैंने अर्ज़ किया था कि अल हई, कलिमा अल हई, इसमें मुबारक अल हई का इतलाक ज़िंदगी की बसीत तरीन सतह पर होता है या बसीत तरीन सतह पर भी हो सकता है, लेकिन अल कय्यूम का इतलाक ज़िंदगी के कमालात जब अपने दरजे उरूज पर और कमाल मेराज पर और मेराज कमाल पर पहुंच जाते हैं तब अल कय्यूम का इतलाक होता है। समझने वाले ने यह समझा कि हर वजूद का सफर ज़िंदगी जब कमाल तक पहुंच जाए तो उसे कय्यूम कह सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ये तो मैंने एक मरतबा भी गुजारिश नहीं की। ये नहीं कि हर शय जब अपने कमाल तक पहुंच जाए तो उसे कय्यूम कहें, ऐसा नहीं है। ये मफहूम समझना ज़रूरी है, मफहूम आम है, मिसदाक ख़ास है। मफहूम आम है, मिसदाक ख़ास है। ये मफहूम मसलन वाजिबुल वजूद, वाजिबुल वजूद एक आम मफहूम लेकिन मिसदाक ख़ास है। वाहिद एक आम मफहूम है, मिसदाक ख़ास है। कलिमे समद डिक्शनरी मीनिंग के एतबार से आम मफहूम व मानी का हामिल है, मिसदाक ख़ास है। वाज़े हैं? तो जब डिफिनीशन बयान होती है, जब तारीफ की जाती है तो उसमें उमूम व इतलाक होता है, उसमें मफहूम आम होता है, मगर मिसदाक अगर ख़ास है तो वो ख़ास है। तारीफ के एतबार से वाजिबुल वजूद यानी वो वजूद जो किसी और वजूद का मोहताज ना हो, जो कायम बिज़ात हो, जो हमेशा से हो और हमेशा रहे, जो जो ताबीरें वाजिबुल वजूद के लिए हैं। और ये मफहूम आम है लेकिन मिसदाक इसका बस एक है, ज़ात हक सुबहानहु व तआला के अलावा कोई वाजिबुल वजूद नहीं है, इसलिए वाजिबुल वजूद बस वही है। हाँ, एक थानवी एतबार से वाजिबुल वजूद का इतलाक और होता है दूसरे मुमकिनात पर, जब वो वाजिब हो जाए अपने वजूद के एतबार से, वो बहस अलग है, इस वक्त छेड़ने की नहीं है। कय्यूम उस ज़ात पर इतलाक होगा कलिमा जिसमें हयात के तमाम इम्कानात अपने दरजे कमाल पर हों, ये एक आम तारीफ है।
मगर वो जात बस एक है, एक से ज्यादा नहीं है। जिस जात के अंदर हयात के तमाम कमालात अपने नुक्ते उरूज पर हैं, और वो हैं नुक्ते उरूज पर, नुक्ते उरूज तक पहुंचे नहीं हैं। ये नहीं है कि वो इब्तिदाई सतह से सफर शुरू हुआ और फिर कमालात के सफर तय करता हुआ मेराज तक पहुंचा, तो अल्लाह सुबहानहु व तआला की जात नऊज़ु बिल्लाह पहले एक बसीत दर्जे पर थी और उस पर सिर्फ अल-हय्य का इतलाक होता था। जब वो अपने कमाल तक पहुंच गई तब वो अल-क़य्यूम कहलाई। ऐसा कोई सफर जात खुदावंदी में मुतसव्वर नहीं है। वो जात वाजिब है, जामे कमालात है, वो अल-हय्युल क़य्यूम था, अल-हय्युल क़य्यूम है, अल-हय्युल क़य्यूम रहेगा। कमालात हस्ती हैं, जो बुनियादी कमालात हयात हैं, वो भी उसमें हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे। असल ये हमेशा से और हमेशा तक, ये से और तक, ये ज़हन बशर की मजबूरी है, क्योंकि हम आगाज व अंजाम के बगैर सोच ही नहीं सकते। इसलिए कि हम जिस चीज पर भी नजर डालते हैं उसका एक आगाज है, एक अंजाम है। खुद हमारी हस्ती हमारा एक आगाज है, एक अंजाम है। हर चीज जो कायनात में हमें नजर आ रही है उसमें एक आगाज है, एक अंजाम है। हर दिन किसी न किसी लम्हे शुरू होता है, किसी न किसी लम्हे वो ख़त्म हो जाता है। हर रात किसी न किसी लम्हे शुरू होती है, किसी न किसी लम्हे ख़त्म हो जाती है। तो जब दिन और रात में तगैर है, आगाज है, अंजाम है, तो सरमद का तसव्वुर कैसे कायम हो सकता है। ज़हन बशरी में सरमद का तसव्वुर कायम नहीं हो सकता, ये मजबूरी है। लेकिन फिर भी तसव्वुर को ज़हन से करीब लाने की कोशिश हमेशा की जाती है और हमेशा की जाती रहेगी। अब यहां ठहर कर देखिए, बहस बहुत दकीक है, इसका अंदाजा तो आपको भी हो ही गया होगा, बहस बहुत दकीक है। चूंकि वो अल-हय्युल क़य्यूम था, अल-हय्युल क़य्यूम है, अल-हय्युल क़य्यूम रहेगा। उसके यहाँ ये नहीं है कि जिंदगी इब्तदाई सतह पर थी फिर दरजे कमाल तक पहुंची। वो जामे कमालात था, जामे कमालात है, जामे कमालात रहेगा। उसे हम बस इन्हीं अल्फाज के जरिए से जिस तरह भी समझ सकें, उसकी ज़ात मुनज़्ज़ह को, उसकी ज़ात मुतआली को, उसकी ज़ात आली को, उसकी ज़ात अली को, उसकी ज़ात अज़ीम को। अली और अज़ीम तो इसी में मौजूद है। अब देखिए क्या करें हम, बाज़ अल्फाज और अस्मा मुश्तरक हैं तो हैं। अब इसमें जो शान इश्तराक पाई जाती है, अगर इसमें कोई एजाज का पहलू है तो वो है, उसका इनकार नहीं किया जा सकता। हसद करने वाले हसद करते हैं तो उन्हें अपने दिल का इलाज करना चाहिए। एक ज़माने में कुरान मजीद की तिलावत की जाती थी, जब तिलावत ख़त्म होती थी तिलावत के आदाब में कि शुरू करते थे अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, भी करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और जब तिलावत ख़त्म होती थी तो कहते थे सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अब बाज़ हज़रात ने सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम कहना छोड़ दिया। यानी कमाल है, किसी एक हस्ती से ऐसा बोझ है।
हक नहीं लेते, नाम हक नहीं लेते। आइए फिर आयतुल कुर्सी भी एडिट कर दीजिए। जब आयतुल कुर्सी आखिर तक पहुंचे तो कहिए वसीअ कुर्सियुहु السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العظيم। है जुरात तहरीफ की, अली उसका नाम है, उसी का नाम समझ के लीजिए। अली उसका नाम है, उसी का नाम समझ के लीजिए। जब या अली कहिए तो जहन में वो हो। कभी शिर्क का शायबा पैदा नहीं होगा। और अगर किसी और हस्ती को उसने खुद अपना नाम दिया है तो उस हस्ती की एतराफ का भी कलमा पढ़िए। गुफ्तगू समेट रहा हूँ, बहुत सी बातें आज गुजारिश करनी है और दामाने वक्त बहरहाल महदूद है। हर चंद के परवरदिगार जज़ाए खैर अता फरमाए और सेहत व सलामती से रखे, आफियत दारैन अता फरमाए आप सबको और ये फर्श अज़ा बिछाने वाले जहाँ जहाँ भी फर्श अज़ा बिछता है उन सब के लिए मेरी यही दुआएं हैं जहाँ जहाँ भी। अब इस वक्त यहाँ चूँकि नजमुल हसन जाफरी साहब के यहाँ गुफ्तगू हो रही है तो उनके लिए दुआ करता हूँ, परवरदिगार उन्हें सेहत व आफियत से रखे। मुसलसल मुझसे कहते रहते हैं कि देखिए वक्त की कोई पाबंदी नहीं है और क्या क्या अखलाकी दबाव डालते हैं, आपको अंदाज़ा नहीं कि मैं कितना मजलूम हूँ। अलामा साहब के लिए से तो सलामती बावाज़े अपना सलवा। कभी अपनी उम्र मुबारक का हवाला देते हैं, बहरहाल मैं छोटा हूँ उनसे। देखिए मैं 74 बरस का हो गया हूँ, माशाल्लाह। देखिए मैं हार्ट का मरीज हूँ, देखिए खुदा जाने अगला साल मैं दर्द कर सकूँ या ना कर सकूँ। हालांकि इंशाल्लाह मैंने अर्ज किया आप हजरात की दुआएं काम आएंगी, मौला करम फरमाएंगे, अभी वो बरसों मुहर्रम करेंगे और आप सब सलामत रहेंगे। देखिए वक्त की कोई पाबंदी नहीं, वो लाख कहें वक्त की पाबंदी नहीं है मगर मैं जानता हूँ वक्त की पाबंदी है। आखिर हम मजबूर हैं, मोहताज हैं, हम महदूद हैं, हम ज़मानी वजूद रखते हैं और हम ज़माने के तकाज़ों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, ये हमारी मजबूरी है। हमें वक्त के तकाज़ों का एहतराम करना चाहिए। वो हस्तियाँ और हैं जिनके लिए वक्त सिमट आता है। वो हस्तियाँ हैं जिनके लिए वक्त सिमट आता है। और क्यों सिमट आता है? वो हस्तियाँ हैं जिनके लिए वक्त सिमट आता है, वो हस्तियाँ हैं जिनके लिए वक्त के एक लम्हे में इतनी बरकत और वसअत पैदा हो जाती है कि अजल ताबद उसमें समोया जा सकता है। कभी वक्त सिमट आता है, कभी वक्त फैल जाता है, कभी सूरज पलट आता है, कभी सूरज ठहर जाता है, कभी जान दो टुकड़े हो जाता है, कभी दरख्त चलने लगता है, कभी हैवान बोलने लगता है, कभी पत्थर कलमा पढ़ने लगता है। वो हस्तियाँ हैं बस अब
वो है ذات الحي القيوم जहाँ तदरीज इर्तिका नहीं है, वो है एक हाल पर है, जैसा था वैसा ही है वैसा ही रहेगा। तमाम कमालात उसकी ذات पाक में जमा थे, तमाम कमालात उसकी ذات में जमा हैं, तमाम कमालात उसकी ذات में जमा रहेंगे। उसकी ذات पाक में तगैर नहीं है, हलूल नहीं है, जवाल नहीं है, इर्तका नहीं है। उसकी ذات में जुमूद नहीं है, सबात है। इन हकायक को समझा कैसे जाए? आखिर कोई राह तो होनी चाहिए। उसने हमें मुकल्लफ भी किया कि हमारी मारिफत हासिल करो। है वो ऐसा कि मारिफत हासिल हो नहीं सकती। सबसे बड़ी आजमाइश तो इंसान की ये है, तवज्जो है। एक तरफ वो भी आजमाइश है जिसका हवाला बराबर देते हैं लोग कि दरमियाने दरिया तख्त बंदम कर गई, बाजमी गोई के दामन तरमकुन होशियार बाश। आपने बीचों बीच दरिया के बीचों बीच हमें ला के खड़ा कर दिया और कहा कि देखना, ख्याल रखना दामन तर न होने पाए। ये शिकवा करते हैं ना कि दुनिया में भेज दिया और कहा दुनिया से दूर रहना, दुनिया में भेजा और कहा दुनिया से दूर रहना। अमलन ये सबसे बड़ी आजमाइश है, ये भी आजमाइश है और इंसान की आजमाइश है। इंसान बनाया ही गया है आजमाइशों के लिए। जो आजमाइशों से घबराए वो इंसान नहीं है। इंसान आजमाइशों के लिए बना गया। इल्मी आजमाइशें, फिक्री आजमाइशें, अमली आजमाइशें। एक अमली आजमाइश यही है कि दुनिया में भेजा गया और कहा गया देखो दुनिया के असीर ना हो जाना। जो लोग जरा सा, एक जरा सा बाल बराबर फर्क है, इधर नजर चली जाए तो कुछ और कैफियत होती है, उधर नजर चली जाए तो कुछ और कैफियत होती है। अगर ये सोचें कि दुनिया में भेजा गया और कहा गया कि देखो दुनिया से किनारा कश रहना, तो महसूस होता है कि वाकई बड़ी आजमाइश है। और अगर ये समझ लिया जाए कि दुनिया में भेजा गया और ये कहा गया कि देखो इस बात का ख्याल रखना कि तुम दुनिया को तस्खीर करना, दुनिया तुम्हें तस्खीर ना कर ले, बस बात बहुत वाज़े हो जाएगी। आजमाइश ये भी है और असल में यही आजमाइश है, यही आजमाइश है। दुनिया तुम्हें तस्खीर ना कर ले, तुम दुनिया के असीर ना हो, तुम दुनिया की ठोकरों में ना रहो, दुनिया तुम्हारी ठोकरों में रहे। अपना वो एजाज बरकरार रखो, अपनी वो हैसियत बरकरार रखो। मुहर्रम की मजलिसों से ये शऊर और ये हिम्मत, ये हौसला लेकर जाइएगा और वो जुमला याद रखिएगा कि ये जिक्र मजलूम आगाज साल में सन हिजरी के इब्तिदा में ये जिक्र मासूमीन का ये इसलिए नहीं है कि गुज़श्ता बरस के गुनाहों का कफ़ारा बन जाए, ये इसलिए है कि आइंदा पूरे साल ताअत खुदा का हौसला मिल जाए। ये जुमला याद रहेगा ना, ये समझ के जिक्र मजलूम और जिक्र मासूम ना करें कि साल भर जो गुनाह किए हैं ये उसका कफ़ारा है। ये ज़ौक की पस्ती है, ये मासूम के जिक्र के साथ बेअदबी है। अदब का तकाजा ये है, ज़ौक की बुलंदी का तकाजा ये है कि इस जिक्र को ताअत हक के लिए एक हिम्मत और हौसले का सरचश्मा करा दे। तो ये शऊर लेके जाएं कि आपको इस दुनिया में भेजा गया किस लिए, कि आप दुनिया तस्खीर करें, दुनिया आपको तस्खीर ना कर ले।
खुद ये जुमला मुकम्मल एक दर्स है। अमलन ये आजमाइश इल्मी एतबार से क्या आजमाइश, वो जात समझ में आने वाली है नहीं और मुकल्लफ किया गया कि हमें समझो, हमें समझो, हमें जानो, हमें पहचानो, हमारी मारिफत हासिल करो और फिर हमारी इताअत करो। देखो बेमारिफत के इताअत ना करना, बेइल्म और बेमारिफत की इताअत की कोई अर्जिश नहीं है, कोई कीमत नहीं है। आलिम की एक साथ की फिक्र, नादान और जाहिल इबादत गुजार की 70 साल की इबादत पर ज्यादा कदर कीमत रखती है, उस पर भारी है। ये सब हदीस का मजमून है, हदीस सही का मजमून है। तो ये कितनी बड़ी आजमाइश है, जैसे अमली वो आजमाइश कि दुनिया में रहते हुए दुनिया के असीर ना होने पाए, वैसे ही इल्मी सतह पर, रूहानी सतह पर, फिक्री सतह पर, अकली सतह पर ये एक बड़ी आजमाइश है कि एक नामुतनाही को समझने की कोशिश की जाए। अच्छा जब मजहब कहता है, थोड़ी देर के लिए जरा सा गौर फरमाएं हमारे दानिशवर साहिबान, मजहब कहता है अल्लाह को समझने की कोशिश करें, अल्लाह नामुतनाही है लेकिन फिर भी उसकी मारिफत हासिल करने की कोशिश करो, तो ये इस बात का मजाक उड़ाते हैं और खुद कहते हैं, खुद अमलन क्या कोशिश कर रहे हैं, कायनात नामुतनाही है और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अरे ये कायनात नामुतनाही है, इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, थक हार के बैठ तो नहीं गए। जैसे इस मादी कायनात को समझने के लिए कोशिशें जारी हैं, ऐसे ही जब ये फैज जो आपके सामने आए इसको समझने की कोशिश हो रही है, तो जो सरचश्मा है इस फैज का उसकी मारिफत भी हासिल करने की कोशिश जारी रहनी चाहिए। कायनात की हकीकतों को समझने के लिए कैसे कोशिशें करते हैं, साइंसी तरीका क्या है, इस्तिकरा, इंडक्टिव मेथडोलॉजी, इंडक्शन, इंडक्टिव लॉजिक, इस्तिकरा। आप इसी ज़मीन के ज़र्रे, इसी ज़मीन के एलिमेंट्स, इसी आसपास की फ़ज़ा का तज़िया तजर्बा करते रहते हैं तरह तरह से, और उसके बाद कायनात के बारे में उसूल वज़ा करते रहते हैं, ठीक है ना। ज़हन का साँचा ऐसे ही बना है, ज़हन का साँचा ऐसे ही बना है कि हम इस कायनाती अनासिर को, कौनियाती अनासिर को अपने मुतालिए का मौजू करार देते हैं और उसके बाद नतायज अक्स करते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। यहाँ जो फोर्सेस कार फरमा हैं उन फोर्सेस पे रिसर्च हो रही है, यहाँ जो एलिमेंट्स हैं उनकी उन एलिमेंट्स पे रिसर्च हो रही है, जो उसूल कार फरमा है यहाँ, जो कवानीन कार फरमा है यहाँ, उन कवानीन और उसूल पर मुसलसल तहकीक हो रही है। एक कानून टूटता है दूसरा वजूद में आता है, दूसरा टूटता है तीसरा वजूद में आता है, लेकिन फिर भी कायनात को समझने की कोशिश जारी है। एक बात कही गई और मुसलसल कही जाती है कि इस कायनात में हर शय अपनी जगह पर अपने बिसाते वजूद के मुताबिक, अपनी हैसियत के मुताबिक खालिक कायनात पर दलील की हैसियत भी रखती है, हर शय दलील की हैसियत रखती है। कम से कम एक दलील तो होती ही है और एक से ज्यादा भी हो सकती है। वो मशहूर शेर अरबी का, वफी कुल शयइन लहू आयतुन तदुल्लु अला अन्नहु वाहिदु, हर शय में एक आयत है, एक निशानी है, एक इशारा है, एक दलील है, एक बुरहान है, हर शय में कम से कम एक। क्या कि वो जात पाक है, वो वाहिद, वो अहद, वो समद वजूद रखता है, वो है, हर शय में दलील है, कम से कम एक दलील तो है ही, एक से ज्यादा भी हो सकती है। जब इस्तिकराई ज़हन इस नुक्ते नजर से सोचने लगे कि हमें कायनात में मौजूद तमाम अशिया का मुतालआ करना है और देखना है कि खालिक़े कायनात में क्या औसाफ हो सकते हैं,
तो फिर हर हर शय पे नजर डालिए, जहां जो कमाल नजर आए समझिए ये कमाल उसका अता करदा है। तवज्जो है, उसका कमाल, इसमें जो भी कमाल है उस जात का अता करदा कमाल है। अब दस्त अदब जोड़ के एक जुमला कह रहा हूं, बहुत सी बहसें इस एक जुमले से हल हो सकती हैं। जब हम नबी करीम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फवाइल बयान करते हैं, उनके कमालात बयान करते हैं, उनके मुअज्जजात बयान करते हैं, दूसरे अंबिया के कमालात और मुअज्जजात बयान करते हैं, औलियाउल्लाह के कमालात और मुअज्जजात बयान करते हैं, अइम्मे हक के कमालात और मुअज्जजात बयान करते हैं, तो फौरन ये इल्जाम लगाया जाता है कि गुलू कर रहे हैं। ये नबी को उलूहियत के दर्जे पे ले जा रहे हैं, ये इमाम को उलूहियत के दर्जे पे ले जा रहे हैं। उलूहियत के दर्जे पर ले जाने का इल्जाम लगाने वाले, ये बताएं क्या आपने उलूहियत के दर्जे को समझ लिया है? कमालाते उलूहियत का इहाता कर लिया है? हम कह रहे हैं ये नबी हैं, हम कह रहे हैं ये मखलूक हैं, हम कह रहे हैं ये उसके बनाए हुए इमाम हैं। इनमें जब ये कमाल है तो उसमें क्या कमाल होगा? जहां जरा सी फजीलत बयान हुई कहीं शिर्क हो गया, इन्होंने अल्लाह बना दिया, जैसे वो अल्लाह को बिल्कुल पहचानते हैं और अल्लाह की लंबाई चौड़ाई सब नपी हुई है। अल्लाह का अर्श नपा हुआ है, अल्लाह की कुर्सी नपी हुई है, कितनी लंबी है, कितनी चौड़ी है, कितनी ऊंची है, कितनी मजबूत है, किस लकड़ी से बनी है, किस फौलाद की कीलें हैं उसमें, सब आपके इल्म में है। आप अल्लाह को बिल्कुल जानते हैं, इसलिए जहां हमने किसी की फजीलत बयान की आपने कहा इन्होंने अल्लाह बना दिया। आपको अल्लाह के कमालात का अंदाजा भी है? वो अल्लाह वो है जिसने इस मोहम्मद को पैदा किया। हय्यु कय्यूम जो तमाम कमालात का जामे था, तमाम कमालात का जामे है, तमाम कमालात का जामे रहेगा, जिस पर जवाल नहीं है, जिसके लिए इर्तिका नहीं है, जिसके लिए जुमूद नहीं है, सबात है, जिसकी कुर्सी इहाता किए हुए है। किस चीज का इहाता? समावात वाला, आसमानों और जमीन का इहाता किए हुए है। वो अल्लाह, वो अल्लाह खालिक है उसका जिसे मोहम्मद कहते हैं। अब ये बताइए कि उस अल्लाह की निशानी, हर चीज तो बन सकती है, सहरा के जर्रे, रेत के जर्रे अल्लाह के वजूद पे निशानी है, इस पे किसी की जमीन पर कोई शिकन नमूदार नहीं होती, समंदर के कतरे अल्लाह के वजूद की निशानी है, इस पर कोई एतराज नहीं है, हर वजूद अपनी जगह अल्लाह के वजूद पर एक निशानी है, इस पर कोई एतराज नहीं होता। और जब हम कहते हैं कि सबसे बड़ी निशानी कौन है, उस पर भी तो गौर कीजिए। सबसे बड़ी निशानी कौन है? आखिर इन निशानियों में कुछ दर्जा बंदी है? आप जनाबे वाला मुफ्ती शेर्क और फकीह कोफर और अल्लामे बिदअत, आपसे मेरा सवाल है, आपसे मेरा
आपसे मेरा सवाल है, ये बताइए आपकी शख्सियत, आपकी शख्सियत और ये जो हमारी जूती के तले में खाक के रेजे लगे हुए हैं बराबर है? बराबर है ये खाक के जर्रे, ये खाक के जर्रे जो हमारी जूती में लगे हुए हैं और आप मसनदे इफ्ता पर हैं, अल्लामा हैं, वगैरह 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 क्या क्या कुछ है ये तो आप ही जानते होंगे, आप बराबर हैं? बिल्कुल मालूम होगा कि जरा मैं क्या अर्ज करूँ कि क्या सलूक होगा मेरे साथ। वो अपने हाशियों से कहेंगे जाइए इन्हें समझाइए कि मेरी हैसियत क्या है, क्या इन्होंने तोहीन की मेरी, मैं क्या जर्रात के बराबर हूँ, मैं खाक के बराबर हूँ, मैं आलिम हूँ, मैं फकीह हूँ, मैं मुफ्ती हूँ, मैं अल्लामा हूँ। अच्छा आप और ये खाक का जर्रा बराबर नहीं है, आप और मुस्तफ़ा बराबर हैं। आपका ये अकीदा है कि आप और ज़ाते गिरामी मुस्तफ़ा बराबर हैं तो खुदा की कसम आप मेरी जूती की खाक के बराबर भी नहीं हैं। मुस्तफा तायीन अव्वल, मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो आपके जैसे थे। एक जर्रा आपके बराबर नहीं है आप, क्या परवाज है माशाल्लाह, ये परवाज सिरात के उस पार जा नहीं पाएगी। और मालूम है सिरात के नीचे क्या है? जहन्नम के भड़कते हुए शोले। जहन्नम के भड़कते हुए सिरात के उस पार अगर जाना हो तो कोई और परवाज चाहिए। अब जबान यहाँ तक आ गई, बेइख्तियार में कोई इरादतन थोड़ी बेइख्तियार, सिरात के उस पार कौन जाएगा? अगर ये जानना हो तो हदीस की किताबें पढ़िए, हमारी हदीस की किताबें नहीं, हमारी हदीस की किताबें नहीं, आप अपनी किताबें भी तो अमानतदारी से पढ़ें। अपनी किताबें भी तो दयानतदारी से पढ़ें। चैलेंज कर रहा हूं, मुसलमानों को गुमराह ना करें, अपनी किताबें अमानतदारी से पढ़ें, दयानतदारी से पढ़ें, तर्जमा करें तो सही करें, सही हदीस को सही कहें, झूठी हदीस को झूठी कहें। हमें ये जहमत ना दें, हमें ये तकलीफ ना दें कि हम बताएं झूठी हदीस कौन सी है। बेहतर ये है, शराफत का तकाजा ये, खुद कबूल कर लें ये झूठी हदीस है, ये सच्ची हदीस मुहक्किकीन ने किया है, मुहक्किकीन आलम इस्लाम ने, मुहक्किकीन आलम इस्लाम ने, उलमाए इस्लाम में से मुहक्किकीन हैं जिन्होंने तहकीक करके एतराफ किया ये हदीस सही है, ये हदीस मुअतबर है, ये हदीस जाली और झूठी है। जो सही हदीसें मोतबर हदीसें हैं उनमें से एक हदीस ये है कि एक जलीलुल कद्र शख्सियत ने कहा, दुनियावी एतबार से जलीलुल कद्र जिसे सब मानते हैं, दुनियावी एतबार से
कि कोई सिरात पर से गुजर नहीं सकता जब तक कि अली उसे गुजरने का जवाज ना दे। जब तक कि अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब लिख कर न दें वो सरात से गुजर नहीं सकेगा रोजे महशर। ये हदीस मुसलमानों की किताब में है, बेशक है, इसलिए ऐसी परवाज ना करें कि सरात पार ना कर पाए। ऐसी परवाज ना करें। नूर मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मामूली बशर समझना और अपने जैसा समझना हमारा लहजा तल्ख हो जाता है, आवाज तेज हो जाती है, आवाज फट जाती है, सुनने वालों को अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन ये आवाज फट जाती है इसलिए कि फटे हुए दिल से निकलती है। ये जो दिल और जिगर चाक चाक है ना, बड़ा जब्त करना पड़ता है, बहुत जब्त करना पड़ता है। जो गुस्ताखियां मुसलमान मुसलसल मुसलमान रसूल की शान में कर रहे हैं, गैर मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूं, गैर मुस्लिमीन की बात नहीं कर रहा हूं, इस्लाम का कलिमा पढ़ने वाले और मुसलमानों के दरमियान जिंदगी बसर करने वाले जो रसूल की शान में गुस्ताखियां करते हैं और रसूल की इहानत के मुर्तकिब होते हैं, अहले बैत रसूल के शान में इहानत करते हैं, अस्हाब रसूल की शान में इहानत करते हैं। 1400 बरस गुजर गए और हुजर इब्न अदी जैसे सहाबी की नफ्श कब्र करते हैं, मगर ये सहाबी की तौहीन नहीं है, ये सहाबी की तौहीन नहीं है, जलीलुल कदर सहाबी। कहीं कोई मेयार पर, किसी मेयार पर तो कायम रहिए। बहरहाल गुफ्तगु समेट लो, वक्त तेजी से गुजर रहा है, मगर बुनियादी सवाल जो मैंने इस वक्त आपके सामने कायम किया वो ये कि वो ज़ात हक अल हय्युल क़य्यूम वो हमेशा से तमाम कमालात पर फायज थी, तमाम कमालात पर फायज है, तमाम कमालात पर फायज रहेगी, वही क़य्यूम है, उसके अलावा कोई क़य्यूम नहीं है, ज़ाते खालिक में तदरीजो इर्तिका नहीं है, सबात है, वो ज़ात सरमदी है, वो ज़ात समद है, इर्तिका मखलूकात के लिए है। बस अब जाहिर सी बात है कि बहुत सी चीज़ें आपकी ज़हानतों पे छोड़कर आगे बढ़ना पड़ता है, चूंकि हर शय में कोई ना कोई आयत है उसकी, इसलिए जो उसके बुनियादी कमालात हैं उसकी भी उसने निशानियां रखी हैं मखलूकात में। मसलन वो इल्म रखता है, उसके इल्म की शान क्या है, उसके इल्म की शान क्या है कि जो वाकयात होने वाले हैं उन सब का वो इल्म रखता है। कोई मुसलमान मुनकिर है इसका? नहीं। कोई मुसलमान इसका मुनकिर नहीं, नहीं हो सकता, लेकिन हैं कुछ जो इनकार भी करते हैं और खुद को मुसलमान भी कहते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी सिफत इल्म पर, इस वस्फ इल्म पर, सिफत इल्म पर कुरान मजीद में बेशुमार आयात हैं, बेशुमार आयात, हर एतबार से इल्म इलाही को साबित किया गया है। जुज़ियात का इल्म, महसूसात का इल्म, माकूलात का इल्म, माजी का इल्म, मुस्तकबिल का इल्म, हर तरह का इल्म ज़ात हक़ सुबहानहू व तआला को है। खुद इस आयतुल कुर्सी में बयान, इसी आयतुल कुर्सी में उसका इल्म का बयान है या नहीं? يعلم ما بين أيديهم وما
مخالف فرماؤں. علم حق کا بیان ہے. اب اس علم حق کے بیان کو تمام قرآن میں جہاں جہاں علم الہی کا بیان ہے سب سمیٹتے چلے جائیے, ایک انسائکلوپیڈیا بن جائے گی, ٹھیک ہے نا, ایک دائرۃ المعارف وجود میں آ جائے گی صرف موضوع علم الہی پر. اللہ کو ہر شے کا علم ہے. ہم سے کہا گیا اللہ پر یقین کرو, ایمان لاؤ, اللہ کی معرفت حاصل کرو. اللہ کو ہر شے کا علم ہے. ہماری سمجھ میں کیسے آئے کہ اسے ہر شے کا علم ہے؟ اور جب تک سمجھ میں نہ آئے گا کچھ تو سمجھ میں آئے. کچھ بھی سمجھ میں آئے تو ہم پوری حقیقت پہ ایمان لے آئیں گے, کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا تو پھر ایمان قائم نہیں ہو پائے گا. انسان کی مجبوری ہے. کچھ بھی سمجھ میں آئے, کوئی ایک نشانی مل جائے تو پھر اس کی صفت سمجھ میں آ جائے گی. وہ بار بار کہتا ہے ہمیں اول و آخر ہر شے کا علم ہے. اب کوئی نہ کوئی اس کائنات میں ایسا ہونا چاہیے, یہ توحید کی ضرورت ہے, تعلیم توحید کا تقاضا ہے, یہ دعوت توحید کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ایسی بھی نشانی خدا کی ہو. گزشتہ اور آئندہ کا علم کے علم کا اظہار کر کے کہے جب مجھے علم ہے تو میرا خدا کیسا ہوگا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم, میں علم کا شہر ہوں. شہر اس لیے کہا کہ شہر میں احاطہ ہوتا ہے, شہر میں جامعیت ہوتی ہے. میں ہوں علم کا شہر. ادب مع اللہ یہ ہے, ادب مع اللہ یہ ہے کہ اپنے کو شہر کہا. شہر ہی تو کہا, اتنی سی فضیلت برداشت نہیں ہے کہ میں علم کا شہر ہوں. اور شہر کے مقابلے میں بظاہر شہر کے مقابلے میں دروازہ تو چھوٹا ہی ہوتا ہے نا. یہ آپ کے لیے کہہ رہا ہوں, حقیقت کچھ اور ہے. لیکن نا حضور نے فرمایا کہ میں نے علی کی فضیلتیں علی کے دشمنوں کے بنا پر کھل کے بیان نہیں کی. کھل کے بیان نہ کرنے کا انداز یہ ہے کہ باب علم کہا. میں خود کو کہاں کھول کے بیان کیا, میں شہر علم ہوں. یہ علی علم کا دروازہ ہے. اور اس دروازے کی شان کیا ہے کہ یہ ممبر پہ آ کے کہتا ہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی, مجھ سے پوچھو جو پوچھنا چاہو, جو پوچھنا چاہو, کوئی تحدید نہیں. مجھ سے صرف فقہ کے سوالات پوچھنا, فلسفے کے نہ پوچھنا, یہ نہیں کہا. مجھ سے عقیدے کے سوالات پوچھنا, شریعت کے نہ پوچھنا, یہ نہیں کہا. مجھ سے دین کے سوالات پوچھنا, تاریخ کے نہ پوچھنا, یہ نہیں کہا. جو چاہو پوچھو, اپنا حسب پوچھو, نسب پوچھو. جو پوچھنا چاہو, زمین سے آسمان تک کے حقائق سب بتا سکتا ہوں, بلکہ آسمان کے راستوں سے میں زیادہ واقف ہوں. ارے جبرائیل آتے جاتے تھے علی کے لیے تو کہا نہیں جاتا آتے جاتے تھے. علی نے کہا کیسے کہ آسمانوں کے راستے سے میں زیادہ واقف ہوں. فرشتے آتے جاتے ہیں, جبرائیل علیہ السلام آتے جاتے ہیں, فرشتے برابر آتے جاتے ہیں, لیکن یہ ثابت ارشادات میں سے ہے. اور اگر اس ارشاد میں کوئی تعریض کا پہلو ہوتا تو علی کے مقابلے میں کھڑے ہو کے لوگ کہتے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. دوست دشمن سب نے نقل کیا کہ علی کے علاوہ کسی کو یہ فضیلت نہیں تھی کہ انہوں نے سلونی کہا.
दुश्मन 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 भी कहते हैं, दोस्त भी कहते हैं। अली ने ये कहा, ये भी कोई नहीं कहता कि साहब आप यूं ही कहते हैं कि सलूनी सलूनी कहा, कभी नहीं कहा, ये कोई नहीं कहता ना, ये कोई नहीं आज तक पैदा हुआ कहने वाला कि जनाब ये फजीलत साबित नहीं है। अली इब्ने अबी तालिब इतने बड़े आलिम नहीं थे, उन्होंने कभी नहीं कहा सलूनी सलूनी। आप कहते हैं कि उन्होंने ये कहा, उन्होंने नहीं कहा, ये नहीं है। दोस्त दुश्मन सब लिखते हैं तारीखों में, तज़किरों में, हदीस की किताबों में, और इस वजाहत के साथ लिखते हैं कि अली इब्ने अबी तालिब के अलावा अस्हाबे पैगंबर में कोई दूसरा नहीं था जिसने सलूनी का दावा किया हो। और साथ में ये भी लिखने वालों ने लिखा, और अगर किसी ने दावा किया तो रुसवा हुआ। अली थे, दावा किया और सुरखुरु रहे, सरफराज रहे, जिसने जो सवाल किया जवाब दिया। यहाँ ठहर के एक जुमला कहूँ, देखिए मौलाए कायनात की फजीलत हम लोग बहुत बयान करते हैं, बराबर बयान करते हैं, इसलिए बयान करते हैं कि लोग इनकार करते हैं। अगर झूठा अपना झूठ बोलने से नहीं शर्माता, सच्चे को सच दोहराने में शर्माना नहीं चाहिए। झूठा झूठ बोलने से थकता नहीं तो सच्चा सच बोलने से थक क्यों जाए? सच तो हक है, सच तो ताकत है, झूठ बातिल है। हम दोहराते रहेंगे, चूंकि इनकार किया जाता है मौला अली की फजीलत का, इसलिए हम दोहराएंगे। मौला अली ने फरमाया सलूनी सलूनी, सिर्फ मौला ने फरमाया, दुनिया का एतराफ़ है कि मौला ने फरमाया, और मौला के अलावा जब किसी ने मौला की नकल की तो रुसवा हुआ। ये एक मसले में नहीं है, सुन लीजिए, जिस मसले में भी हो, जिसने अली की जब भी नकल की रुसवा हुआ। लेकिन अब ठहर कर जो मैं अर्ज करना चाह रहा हूं, लोग समझते हैं कि सिर्फ हजरत अली ने सलूनी कहा था और किसी ने नहीं कहा, नहीं, हजरत अली से पहले, दरवाजे से पहले शहर ने कहा, हाँ है, रिवायतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेंबर पर एक मरतबा फरमाया मुझसे जो पूछना चाहो पूछ लो, यहां तक कि मैं तुम्हारे हसब व नसब से भी वाकिफ हूं। रसूल का इरशाद। और एक शख्स खड़ा हुआ, उसने कहा या रसूल अल्लाह बताइए मेरे वालिद का नाम क्या है, मैं किसका बेटा हूं? रसूल ने कहा कि तू जिससे मंसूब है उसी का बेटा है। जब वो घर गया तो उसकी माँ ने कहा क्या तू मुझे रुसवा करना चाहता था, मुझे मेरे किरदार पे शुभा था? कहा नहीं, शुभा नहीं था, ऐसा नहीं था, मैं रुसवा नहीं करना चाहता था, रिवायत पूरी इसी तरह है, मगर मैंने रसूल से पूछा अपने इत्मीनान कल्ब के लिए। एक दो ने सवाल किया था, एक कुछ लोगों ने कहा या रसूल आप तो रहमतुल आलमीन हैं, इसके मानी ये थे कि या रसूलल्लाह हम तक, जब हम तक बात आने से पहले ये खुतबा आप तमाम कर दीजिए। काबिल इसके कि हमारा नसबनामा सुने, आप तो रहमत आलम है या रसूल। हुजूर खामोश हो गए, मिंबर से उतर आए। ये है, ये मैंने वाकया इसलिए नकल किया, ये रिवायत इसलिए नकल की कि अली से पहले अगर किसी ने सलूनी कहा तो वो रसूल हैं, रसूल के अलावा किसी ने सलूनी नहीं कहा।
रसूल के अलावा अगर किसी ने सलूनी कहा तो वो जान रसूल अली है। और तारीख में आगे बढ़िए, एक सलूनी कहने वाला और है, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। मौजूद है इमाम ने सलूनी सलूनी इरशाद फरमाया है। और अब मैं अर्ज करूं कि चाहे किसी ने कहा हो या ना कहा हो, ये जो सिलसिला मोहम्मद से मोहम्मद तक है, इनमें से हर एक साहिब मिंबर सलूनी है। हसन भी साहिब मिंबर सलूनी है, हुसैन भी साहिब मिंबर सलूनी है, अली इब्नुल हुसैन जैनुल आबिदीन भी साहिब मिंबर सलूनी है, मोहम्मद बाकिर भी साहिब मिंबर सलूनी है, जाफर सादिक भी साहिब मिंबर सलूनी है, इमाम मूसल काज़िम भी साहिब मिंबर सलूनी है, इमाम अली रजा भी साहिब मिंबर सलूनी है, इमाम मोहम्मद तकी भी साहिब मिंबर सलूनी है, इमाम अली नकी भी साहिब मिंबर सलूनी है, इमाम हसन अस्करी भी साहिब मिंबर सलूनी है, और हम मुंतजर हैं आखिरी साहिब मिंबर सलूनी के। सलावत पढ़ते मोहम्मद इनमें से हर एक साहिब मिंबर सलूनी है। और ये उलूहियत तक पहुंचाना नहीं है, इस सिफत से ये अल्लाह नहीं हो जाएंगे, इस सिफत से ये अल्लाह नहीं हो जाएंगे। ये उस अल्लाह की निशानी है जिसे हर जुज़ियात का इल्म है, जो हो चुके हैं काम उनका भी इल्म, जो होने वाले हैं उनका भी इल्म। उसकी निशानी इनके पास है कि ये कहते हैं कि हमें क़यामत तक के वाक़यात का इल्म है, ये कहते हैं कि हमें क़यामत तक के वाक़यात का इल्म है। और तारीख़ी एतबार से तहक़ीक़ कीजिए, जब जब इन्होंने कुछ कहा कि देखो ये होने वाला है, ये होगा, वो हुआ या नहीं हुआ? हुआ। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दलाइल में से, दलाइल नबूवत में से, नबूवत खासा की जब बहस होती है कि हुजूर की नबूवत की क्या दलीलें हैं, यानी नबूवत की बहस दो सतह पे होती है, एक नबूवत आम्मा, एक नबूवत खासा। एक ये साबित की जाती है बात कि अल्लाह और बंदों के दरमियान नबी का वजूद ज़रूरी है, और फिर ये साबित की जाती है बात कि मुहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी थे, ईसा अलैहिस्सलाम नबी थे, मूसा अलैहिस्सलाम नबी थे, फिर इनकी नबूवतों की दलीलें पेश की जाती हैं। हमारे पैगंबर खत्मी मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम की नबूवत की जो दलीलें पेश की जाती हैं उनमें एक ये भी है कि आपने आइंदा होने वाले बहुत से वाकयात बयान किए जो सच साबित हुए। जाहिर है अल्लाह सुबहानहु व तआला ने दिया था इल्म, तो हम कब कहते हैं ये किसी गैरुल्लाह से लेके आए? जो कुछ है मोहम्मद के साथ पास सब अल्लाह का दिया है, जो कुछ है अली के पास सब अल्लाह का दिया है, अल्लाह का दिया है, तुम हसद क्यों करते हो? अल्लाह का दिया है, ये अपने वजूद से, अपने सिफात से, अपने कमालात से, कमालात हक की निशानी है, दलील है। और जिस तरह इल्म, इल्म हक हमेशा से दर्जे कमाल पर है, यानी इल्म हक में कमी और बेशी आने वाली नहीं है, यानी कि तजर्बों से अल्लाह का इल्म बढ़ता है, एक्सपेरिमेंट्स के नतीजे में अल्लाह सुबहानहु व तआला के इल्म में इजाफा होता है, ऐसा नहीं है। अब हम तमाम इंसानों को देखें, हर इंसान का इल्म तजर्बे से बढ़ता है, लेकिन कोई तो ऐसा हो, कहीं तो ऐसा एक मिसाल तो मिले। अगर एक भी मिसाल मिल गई ऐसी कि जिसके इल्म का इन्हिसार तजरेबे पर ना हो, तो बात समझ में आएगी। ये एक तन्हा मिसाल,
ये तन्हा मिसाल काफी होगी ذات حق को समझने के लिए, ذہن को उस ذات حق तक ले जाने के लिए तन्हा मिसाल काफी होगी। कोई एक तो हो जिसका इल्म जैसा आगोश मादर में हो, वैसा ही शबाब के आलम में हो, वैसा ही जाहिरी एतबार से बुढ़ापे के जमाने में हो, वैसा ही आखिर उम्र में हो। अगर इल्म एक दर्जे पर है और तजरबे से इसमें तब्दीली नहीं आई, और जो बात बचपन में कही थी वही बाद में साबित हुई, इसके मानी है कि ये कोई हस्ती है जो उसकी दलील है, उसकी निशानी है। अच्छा, ऐसा क्या मुमकिन है कि गहवारे में माँ की गोद में भी बच्चा इल्म रखता हो? कुरान तो कहता है कि तुम माँ के पेट से जाहिल पैदा हुए हो। हर इंसान के लिए कहा कुरान ने कि तुम माँ के पेट से जाहिल पैदा हुए हो। आधा कुरान ना पढ़ा कीजिए, जिस कुरान में ये लिखा है कि इंसानों, जिस कुरान में ये लिखा है कि इंसानों तुम माँ के पेट से जाहिल पैदा किए गए हो, उसी कुरान में ये लिखा है कि अल्लाह ने जब ईसा को पैदा किया तो जाहिल नहीं आलिम पैदा किया। ये एक ही मिसाल दी जाती है, क्यों? या जनाब यहिया के लिए, जनाब यहिया ने क्या फरमाया? कुरान मजीद ने जनाब यहिया के लिए क्या कहा कि हमने उन्हें बचपन में इल्म अता किया, बचपन में इल्म अता किया, साहिब मनसब बनाया, मुत्तकी बनाया, यानी मासूम बनाया। तवज्जो है, ये कुरान ने जनाब ईसा और जनाब यहिया और दूसरे अंबिया के वाकयात में मिसालें क्यों दी? ताकि तुम्हारे सामने इस्तिस्ना का दरवाजा खुला रहे। तमाम इंसान माँ के पेट से जाहिल पैदा किए जाते हैं, मगर कुछ ऐसे जरूर हैं जो जाहिल पैदा नहीं किए जाते। तवज्जो है, अब जो ऐसे हैं जो जाहिल पैदा नहीं किए जाते, उनको तो अपना जैसा ना कहो। अपना जैसा ना कहना, और अगर तुमने अपना जैसा कहा तो ये कुरान की तकजीब है, और अगर कुरान की तकजीब है तो इसी का नाम कुफ्र है। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले। कुरान को ना झुटलाओ, कुरान की तकजीब ना करो, और ये बता दो अपने मुआशरे पर नजर ना डालना। तुम्हारे और हमारे मुआशरे में तो ये होता है कि जिसके पास पैसा ज्यादा हो वो इमाम बना दिया जाता है, या जिसके पास ताकत ज्यादा हो दुनियावी, जिसे लोग डरते हो उसे इमाम बना दिया जाता है। बल्कि एक उसूल बना लिया है आपने कि अगर कोई डरा धमका के भी इमाम बन जाए तो मान लो कि इमाम है। उसूल है, है उसूल, है उसूल, इसे क्या किया जाए? या आपके ताल्लुकात हमारे ज्यादा हैं तो ताल्लुकात की बिना पर आगे बढ़ा दिया जाएगा, इमाम बना दिया जाएगा। जाती दोस्तियां वगैरह वगैरह न जाने इमामत के मेयार में क्या क्या कुछ दाखिल है, लेकिन अल्लाह सुबहानह व तआला से ये बात मुमकिन नहीं है कि वो गैर अफजल को अफजल बना दे, अफजल के दर्जे तक पहुंचा दे, इमामत बख्श दे। और अगर अगर कहीं मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सैयदुल मुरसलीन खातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को तमाम उलुल अज़्म अंबिया के आगे खड़ा किया गया कि आप इमामत करें, तो इसके मानी है कि उनकी जात में बाकी तमाम
अंबिया और मुरसलीन की निस्बत से फजीलत ज्यादा होगी। तो जब आप ईसा को अपने जैसा नहीं कह सकते, यहिया को अपना जैसा नहीं कह सकते, तो मोहम्मद मुस्तफा को किस मुंह से अपना जैसा कहते हैं? जनाब ईसा अफजल हैं या खत्मी मर्तबत? जनाब मूसा अफजल हैं या जनाब खत्मी मर्तबत? जनाब इब्राहिम अफजल हैं या जनाब खत्मी मर्तबत? बहैसियत नबी और इमाम मेराज के सफर में, मेराज के सफर में एक मंजिल वो आती है जहां तमाम अंबिया जमा होते हैं, नमाज होती है बाजमात। पैगंबर खत्मी मर्तबा तशरीफ फरमाएं, खुद से आगे नहीं बढ़ते, अल्लाह सुबहानहु व तआला अपने निजाम कयूमियत के सबसे बड़े प्रोटोकॉल ऑफिसर को भेज देता है। उसका अपना एक मर्तबा है, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का अपना एक मर्तबा है, एक दबदबा है, एक हैसियत है, एक शान है। कोई गुस्ताखी ना करे जनाब जनाब जिब्राइल की शान में, मगर जो हैसियत है बस वही है ना। जनाब जिब्राइल आगे बढ़ते हैं, अल्लाह ने भेजा है, या रसूलल्लाह आप आगे बढ़िए। जनाब इब्राहिम मेरे दादा हैं, जद ये जनाब मूसा है, वो जनाब ईसा है। कहा हाँ ये सब हैं, मगर इमामत आप करेंगे। अब बताएं मुसलमान कि जब जनाब ईसा हमारे जैसे नहीं हैं, नहीं हो सकते, इसलिए कि हम माँ के पेट से जाहिल पैदा हुए। ईसा माँ के पेट से पैदा होते ही उन्होंने क्या ऐलान किया? अल्लाह ने मुझे किताब अता की है, मुझे नबी बना के भेजा है, मेरी ताईद फरमाई है रूहुल कुदुस से, तो वो आपके बराबर नहीं है। और उनकी इमामत कौन कर रहा है? मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वक्त तमहीदी में गुजर गया, मगर बात मेराज तक आ गई, तो चंद जुमले तो अर्ज करने ही पड़ेंगे। ये अल हय्युल कय्यूम को समझने के लिए सफर मेराज पैगंबर भी समझना जरूरी है। जहां सफर मेराज पैगंबर दलील अजमत पैगंबर है, वहीं दलील अब्दियत पैगंबर भी है। इसलिए कि सफर मेराज, सफर मेराज है, मेराज है, सफर है, मेराज है, उरूज है, इर्तिका है। बहरहाल एक जगह से एक जगह तक ले जाया गया, ये समझाने के लिए कि ये बंदा है जो ले गया उसमें तगैयुर नहीं है, जो गया उसमें तगैयुर है। तवज्जो है, वो अल हय्युल कय्यूम है, उसमें तमाम कमालात पहले से हैं, हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे। वो अल कय्यूम है, उसके यहां इर्तिका नहीं है। ये नहीं कि वो पहले बसीत सतह पर था और फिर कमाल के दर्जे तक पहुंचा, लेकिन ये मुस्तफा मेरा मखलूक है, इसे मैंने बनाया है। मुस्तफा को मैंने अपने हाथों से बनाया है। मुस्तफा नूर अव्वल है, खल्क अव्वल है, और अब्दियत के उस दर्जे पर फायज है कि जिसकी अब्दियत पर माबूद नाज करता है। मजमून बहुत बड़ा है, और मैं क्या करूं, आप सबसे शर्मिंदा हूं, आखिर ताकत जिस्म की साथ छोड़ देती है। एक सलावत पढ़ दें, देखिए
मेराज के बारे में इस अशरे के इब्तिदाही में पहली और दूसरी तकरीर में भी इशारात आ गए थे। मेराज का मज़मून इतना अहम है, हकीकत मेराज इतनी अहम है, और इसमें इतनी निशानियाँ, इतने आयात, इतने दलाइल, इतने मतालिब हैं इलाहियाती, अल्लाह सुबहानहु व तआला की मारिफत के से ताल्लुक़ रखने वाले मसाइल, और जनाब ख़त्मी मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरातिब और कमालात और उनकी शान को सामने लाने वाले मुआमलात और मसाइल, और उसके बाद जो सिलसिला हिदायत बाकी रहना है उसके ताल्लुक से। इसलिए मेराज का मौजू और मज़मून बहुत अहम है, और इस पर मुझे ख्याल आता है कि कम से कम 20-22 तकरीरें तो मेराज पर कर चुका हूँ, लेकिन अभी तक मेराज का मज़मून मुकम्मल नहीं हो सका, और वो हो भी नहीं सकता, लेकिन जितना हो सकता था वो भी नहीं हो सका। मेराज मुस्तफ़ा आगाज से और नुक्ते कमाल तक हर मकाम पर गौर तलब है, आयात हैं, निशानियां हैं, लेकिन कबल इसके कि बिल्कुल दामन वक्त तंग हो जाए, और दामन वक्त तो शायद तंग ना हो लेकिन हमारी ताकत बिल्कुल साथ छोड़ दे, इससे पहले मैं चंद मतालिब तेज़ी से अर्ज़ कर दूं आपके सामने। ये बताएं, सारी जुज़ियात छोड़ रहा हूँ, बुनियादी बात यह है कि हक सुबहानहु व तआला ने हुजूर को बुलाया। अहमियत इसकी ये है कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम सरकार सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि जो मेराज जिस्मानी है पैगंबर का इनकार करे वो काफिर है, कुफ्र है, ये कुफ्र है, तकजीब कुरान है। कुरान क्या कहता है, पैगंबर ने थोड़ी दावा किया है कि मैं गया, और अगर वो भी दावा करते तो मजाल थी किसी में के इश्काल करता। अगर हुजूर फरमाते कि मैं मेराज पर गया तो किसी को एतराज की गुंजाइश थी सिवाय काफिरों के। सिवाय काफिरों और मुशरिकों के किसी मुस्लिम की मजाल है पैगंबर फरमाए कि मैं गया और वो शक करे, शुभा करे, तामुल करे, तरद्दुद करे, इनकार करे। पैगंबर कहे मैं गया, पैगंबर कहे मैं गया और वो उसका तर्जुमा करे कि पैगंबर ने ख्वाब देखा, इस सादगी पे कौन न मर जाए है खुदा। और यहां मसला और है, अल्लाह सुबहानहु व तआला फरमा रहा है नाज करके, फख्र करके। अब फख्र नाज ये हमारे लिए अल्फाज हैं, फख्र का कलिमा ना इस्तेमाल कीजिए, नाज का कलिमा ना इस्तेमाल कीजिए, मगर इस उसलूक को क्या कहिएगा। फरमा रहा है सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही, पाक है वो ज़ात, मुनज़्ज़ह है वो ज़ात, बुलंद व बाला है वो ज़ात। इसके क्या मानी है, इस तरह जो गुफ्तगू शुरू हो रही है इसके मानी क्या, हम अपनी अदबियात में इसको क्या नाम दे सकते हैं। यही तो कह सकते हैं कि वो नाज फरमा रहा है, वो कह रहा है कि पाक है, मुनज़्ज़ह है, बुलंद व बाला है वो ज़ात, सुभानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, जो अपने अब्द को, अपने बंदे को रातों रात ले गई। वो कह रहा है मैं ले गया, मुसलमान कह रहा है मोहम्मद ने ख्वाब देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब ले जाने ही पर बात समझ में नहीं आती तो जब वहां पहुंचकर गुफ्तगू हुई होगी तो उस गुफ्तगू की शान क्या समझ में आएगी।
किसके सामने क्या पढ़िए क्या ना पढ़िए, क्या बयान कीजिए क्या बयान ना कीजिए। तवज्जो है, ज़र्फ लोगों के कितने उथले हैं, लोग कितने ओछे हैं। ऐसे लोगों को ओछा कहने पर ये लफ्ज ओछा मेरे खिलाफ तौहीन का मुकदमा कायम कर सकता है। कैसे रकीक लोग हैं, कैसे जलील लोग हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे मालूम है दोनों तरह से जान छूटेगी नहीं, जब मैं बहुत बहुत मोटे मोटे अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ उस पर भी एतराज़ होता है। अब ये भी होगा, देखिए अब ये मेंबर से जलील भी कहने लगे, रकीक भी कहने लगे, ओछा भी कहने लगे, इस पर भी एतराज़ होगा। अब तो आपका आपकी आदत है एतराज़ करना, आप करते रहिए, हमारी आदत है एतराज़ बर्दाश्त कर लेना, हम बर्दाश्त करते रहेंगे। मगर जो लोग दुश्मन पैगंबर हों उनके लिए क्या कहा जाए कुछ समझ में नहीं आता। हद तो ये है, जो दुश्मन खुदा है, जो दुश्मन पैगंबर है, जो दुश्मन मुस्तफ़ा है, उसके लिए जब हम कुरानी लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तब भी एतराज़ होता है। कुरान ने लान का लफ्ज इस्तेमाल किया है, हम कुरानी लफ्ज इस्तेमाल करें तो भी बर्दाश्त नहीं है, फिर कौन सी डिक्शनरी लाकर गुफ्तगू करें। मुस्तफ़ा, शान मुस्तफ़ा, मेराज मुस्तफ़ा, यहीं से इख्तिलाफ। अल्लाह कह रहा है मैं ले गया, और मुसलमान कह रहा है रसूल ने ख्वाब देखा। ये सराहत, सुभान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, क्या कहना उस परवरदिगार का जो अपने बंदे को ले गया। याद रखिएगा जुमला, जब ये पहला पूरी मेराज हो ही नहीं सकती, वक्त खत्म हो चुका है, दो जुमला कहूँगा और बाब मसाइल में गुफ्तगू दाखिल हो जाएगी। हमें मालूम है आज 9 मुहर्रम है, आप सब तड़प रहे हैं गिरिया करने के लिए, मातम करने के लिए, उम्र कोता है गमे हुसैन के लिए। लेकिन अभी ज़रा जब्त कर लें, ज़रा जब्त कर लें, पहला ही मरहला। अल्लाह कह रहा है मैं ले गया, अभी कैसे ले गया, किस तरह ले गया, किन वसाइल से ले गया, क्या उसूल कार फरमा थे, बुराक की माहियत और हकीकत क्या है। हज़रत जिब्राइल उस शब तशरीफ़ लाए, बुराक लेकर हुजूर को बेदार किया, ले गए सहन हरम से ले गए, या बैत जनाब उम्मे हानी से ले गए। हर हर मरहले पर एक बहस तलब, तहकीक तलब, बाब खुला हुआ है। इसलिए मेराज का मजमून बहुत वसी है। इजमालन जिस तरह भी तसव्वुर कर सकें आप, अल्लाह ऐलान फरमा रहा है मैं ले गया। रिवायतें उसकी तफसीलात पेश कर रही हैं कि हक सुभानहु व तआला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा, बुराक भेजा और आप तशरीफ़ ले गए, और फिर उन मनाजिल और उन मराहिल का बयान है जो आपने मुशाहिदा फरमाया, देखा। क्या क्या देखा? जन्नत के मनाजिर देखे, जहन्नम के मनाजिर देखे, लोगों को मुअज़्ज़ब होता हुआ देखा, लोगों को मुतनअम होता हुआ देखा नेमात इलाहिया से, अंबिया को नमाज पढ़ाई, उरूज की मंजिल आई, मेराज की मंजिल आई, इसरा से आगे बढ़े, और आखिरी मंजिल क्या थी? अगर ये सब बयान कर दिया जाए, एक मंजिल वो आई कि जहां कहा जाता है, हम नहीं कहते, रिवायत नहीं कहती, कुरान क्या कहता है, फऔहा इला अब्दिही मा औहा। इस एक तर एक एक आयत है कुरान की, मौलाना मुझे सही याद है यही अल्फाज क्या है, फऔहा इला अब्दिही मा औहा, यही है ना आयत, और कुरान की आयत है ना। ये रिवायत का कोई टुकड़ा तो नहीं है, ये किसी शायर के कसीदे का मिसरा तो नहीं है, कुरान की आयत है। क्या आगाज ये है, सुभान अल्लज़ी असरा, क्या कहना उसका जो ले गया अपने बंदे को रातों रात। और दूसरी जगह कह रहा है ये भी एक नाज का अंदाज है, ये भी नाज का अंदाज है, और फिर उसने अपने बंदे पर वही की जो वही करना चाहा।
उसने वही फरमाई, फाओहा इला अब्देही मा ओहा, जो उसने अपने बंदे से गुफ्तगू करना चाही गुफ्तगू की। तवज्जो है, अब अगर किसी को आप बुलाएं कोई साहब बुलाएं, बड़ा छोटा कोई भी किसी को बुलाएं, मेहमान आपके प्रेसिडेंट साहब किसी को बुलाएं, वजीर आजम साहब किसी को बुलाएं, गवर्नर साहब किसी को बुलाएं और गुफ्तगू किए बगैर वापस कर दें, ये मुमकिन है? समाजियाती एतबार से, अखलाकी एतबार से मुमकिन नहीं है? एक अबस अमल होगा, बुलाया और गुफ्तगू भी नहीं की। वो हक सुभानहु व तआला बुला रहा है। अच्छा, यहाँ तो हो भी सकता है, चलिए वो बुलाया था, मगर जैसे हमारे हालात हैं, हमेशा हंगामी हालात में तो हम जिंदगी बसर करते हैं, हमेशा हंगामी हालात होते हैं, मैं कुछ कह नहीं सकता। मिनिस्टर साहब तशरीफ़ फरमाएं, चीफ जस्टिस साहब तशरीफ़ फरमाएं, और हजरात सब लॉ एंड ऑर्डर को जानने वाले बैठे हुए हैं, ये तजर्बाकार कमिश्नर साहिबान तशरीफ़ फरमाएं। अब बताइए कि हंगामी हालात भी, हाँ बुलाया तो था मगर वो अचानक कुछ ऐसा हो गया कि गुफ्तगू नहीं हो पाई और मीटिंग कैंसिल हो गई। नहीं, वहां बुलाया भी उसका भी ऐलान, गुफ्तगू हुई इसका भी ऐलान। कोई कह नहीं सकता कि सिर्फ मनाजिर देखने के लिए बुलाया था। ये कोई कह नहीं सकता कि सिर्फ मनाजिर जन्नत दिखाने के लिए बुलाया था, जहन्नम दिखाने के लिए बुलाया था, आसमानों की सैर कराने के लिए बुलाया था और बस, इसके आगे कोई बात नहीं थी। अरे वो दिखाने के लिए थोड़ी बुलाया था, इसलिए कि जो चीज इनके सामने बनी हो। मुहम्मद मुस्तफा मखलूक हैं, अली मुर्तजा मखलूक हैं, मगर ये ऐसे मखलूक हैं जो खालिक नुमा हैं, ऐसे मखलूक हैं जो खालिक नुमा हैं, और ये सिलसिला आगे बढ़ता है, बस गुफ्तगू तमाम। हमारे सामने तो ऐसी मिसालें हैं कि जहाँ आवाज़ का इम्कान भी न हो वहाँ आवाज़ सुनाई देती है। इमामत हुसैन की वो सबसे बड़ी निशानी जो बज़ाहिर सबसे छोटी थी, वो नन्हा शहीद जिसका पैकर शहादत अकबर से छोटा नहीं है, अकबर की अपनी शान है मगर असगर की अपनी शान है, वो शीर खार जो कई दिनों से प्यासा था, भूखा था, माँ का दूध भी खुश्क हो चुका था, होंठ खुश्क हो गए थे, जबान में कांटे पड़े हुए थे, गशी की कैफियत थी, जैसे ही इमाम की आवाज़ इस्तगासा बुलंद हुई ये बच्चा झूले में तड़पने लगा। मुझे ऐसा लगता है कि इस बच्चे, ये बच्चा भी कोई मामूली बच्चा नहीं है, ये मरियम का बच्चा न सही मगर रबाब का बच्चा है। हाँ ये ईसा नहीं है मगर ये हुसैन का बेटा अली असगर है। ये भी अल्लाह की अजीम निशानियों में से है, अल्लाह की बड़ी निशानियों में से है। ऐसा लगता है इस बच्चे के हाफिजे में बाबा की आवाज थी। जब हुसैन मदीने से निकल रहे थे तो कहते हैं कि ये बच्चा अपनी एक बहन की आगोश में था, बहन से जुदा नहीं हो रहा था। हुसैन ने
सब ने कोशिश की, फूफी ने कोशिश की, दूसरी बहनों ने कोशिश की, माँ ने कोशिश की, सब ने कोशिश की, लेकिन ये किसी की गोद में आ नहीं रहा था। सब के आखिर में हुसैन करीब आए, बच्चे के कान में कुछ कहा और बच्चा हुमक के बाबा के सीने से लपट गया। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। मेरे वालिद माजिद फरमाया करते थे, अजब नहीं आका ने ये फरमाया हो, बेटा तेरा नाम भी महजर शहादत में है। ये आवाज़ असगर के हाफिजे में मौजूद थी, ये आवाज़ असगर के कान में पड़ी हुई थी कि बेटा तेरा नाम भी महजर शहादत में है। इसलिए जब आका ने आवाज़ बुलंद की, हल में नासरिन यम सोरो ना, कोई मददगार है जो हमारी मदद करे, हल में मुगीदिन युगीदुना, कोई फरियाद रस है जो हमारी फरियाद को पहुंचे। इस बच्चे ने कहा ये मुमकिन कैसे, बाबा बाबा नुसरत को तलब करें। इसका इसके मानी है कि तमाम शहादा शहीद हो चुके, अब मेरी मंजिल है। बच्चे ने खुद को खैमे से, खुद को झूले से गिरा दिया, खैमे से शोर गिरिया बुलंद हुआ, इमाम तशरीफ लाए, बच्चे को ले गए और बच्चे ने अजब जिहाद किया है। बच्चे ने अजब जिहाद किया है। मैं एक जुमला अर्ज कर रहा हूँ, अदबी ज़ौक रखने वाले इस जुमले को हिफाजत से रख लेंगे अपने पास। खुदा की कसम, बच्चे ने अजब जिहाद किया है, अजब ज़बान में और अजब लहजे में पैगाम रसानी की है। कहते हैं कि जब तीर आकर गले पर लगा है तो बच्चा मुस्कुरा दिया। मैं एक जुमला अर्ज करूं, नो के नैजा पे हुसैन की तिलावत और तीर खाकर असगर का तबस्सुम, तीर से शोभा का निशाना बनकर असगर का तबस्सुम और नोके नैजा पर हुसैन की तिलावत, दोनों में हमें बड़ी मुमासिलत नजर आती है, दोनों में हमें बड़ी मुशाबहत नजर आती है। बच्चे ने मुस्कुरा के बाप के सदमे को जैसे हल्का करना चाहा। हुसैन को अब कोई सहारा देने वाला नहीं है ना, हुसैन से कोई ताजियत करने वाला नहीं है, हुसैन अलैहिस्सलाम से कोई पुरसे के लिए आने वाला नहीं है। बच्चे ने मुस्कुरा के बाप के इज्तिराब को कम करना चाहा है। और हुसैन ने किस शान से, अब आज 9 मुहर्रम की मजलिस है और अमामा सर पे बार हो रहा है। अज़ा खानों की रस्म ये होती है कि जब हम अमामा उतारते हैं तो शबीहें लेकर आप बरामद होते हैं, लेकिन आप सब्र करें, जब मैं गुफ्तगू ख़त्म करूँ तो शबीहें ले आइएगा। मगर अब अमामा सर पर बार हो रहा है। अशरा गुजर गया, अब जिसे जिंदगी मिलेगी वो अगले बरस मुहर्रम में ये सआदत पाएगा। बच्चे ने, छिमाए ने बाप के हाथों पर तीर से शोभा के जरिए से जाम शहादत नोश किया है। बच्चा मुस्कुरा दिया, हुसैन बच्चे को लेके आए और खैमे गाह की तरफ जाते थे और पलटते थे, आगे बढ़ते थे और वापस आते थे, बार बार फरमाते थे इन्ना लिल्लाह इन्ना इलैहि राजिऊन रिज़ान बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिह। खुदा की कसम क्या जुमला है, खुदा की कसम क्या अंदाज है। मैं इस मिंबर पर बराबर ये जुमला कहता रहा हूँ, जैसे हुसैन ये बार अमानत हाथों पर लेकर नाज फरमा रहे हैं, चश्मे फलक देख देख हुसैन के सब्र को, देख हुसैन की ताकत को, देख हुसैन के तहम्मुल को, देख ये बार मुसीबत हुसैन के हाथों पर है।
और रजा के साथ है। कैफियत यह है कि हम सर तस्लीम खम किए हुए हैं, हमारी रजा रजाए हक में है। हुसैन बच्चे को बिलाकर खैमेगाह के दरवाजे पर लेकर आए और माँ ने आखिरी दीदार किया। माँ ने बस एक जुमला कहा, बुनैया अमिथलो का युनहार, मेरे बच्चे मेरे नन्हे, क्या तेरे जैसे भी नहर किए जाते हैं? अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस इमाम ने बच्चे को इस अमानत को सुपुर्द खाक फरमाया है। अगर इसी मकाम पे ठहर के गुफ्तगू हो तो क़यामत खेज़ गुफ्तगू है, क़यामत खेज़ गुफ्तगू है। लेकिन अब गुफ्तगू की मुझ में ताकत नहीं है, इसलिए मैं मरहूम शायर सफ़ीना हज़रत क़ासिम शब्बीर नक़वी नसीराबादी का एक शेर नकल करके आगे बढ़ रहा हूँ। तमाम सुनने वाले ये शेर याद रखेंगे, करबला का मुतालआ करने वाले ये शेर याद रखेंगे, गौर करेंगे। कहते हैं, हशर तक सोच अदल इंसानी, हशर तक सोच अदल इंसानी, सिर्फ असगर का खून बहा क्या है? हशर तक सोच अदल इंसानी, सिर्फ असगर का खून बहा क्या है? असगर को सुपुर्द लहद करके तशरीफ लाए, आखिरी खुतबा इरशाद फरमाया, अल्लाहु अकबर, क्या शान इमामत है, क्या करम मासूम है, क्या लुत्फ हादी है। आखिरी खुतबा इरशाद फरमाया और हुज्जत तमाम की, फिर खैमे में आए और एक एक से रुख्सत हुए, खुद अपने लिबास को तब्दील किया और फरमाया कि मुझे एक ऐसा लिबास दो जो कोहना हो, जो पुराना लिबास हो, जिसमें कोई रगबत न रखता हो, ताकि कातिल के बाद जब मुझे बरहना किया जाए, जब मेरे लिबास को सल्ब किया जाए, लिबास लूटा जाए, अबा और अमामा और रिदा लूटी जाए, तो वो लिबास मेरे जिस्म पर रहे। इमाम ने लिबास तब्दील किया, एक एक को नसीहत फरमाई, जनाब सैयद सज्जाद के पास आए। सैयद सज्जाद गशी की कैफियत में हैं, सैयद सज्जाद गशी की कैफियत में हैं। फूफी जैनब ने बेदार किया, सैयद सज्जाद ने बाबा से गुफ्तगू शुरू की, कहा बाबा जब भी आप मेरे पास आते थे आपके साथ अब्बास होते थे, आपके पास चचा अब्बास होते थे, आपके साथ भाई अली अकबर होते थे, आपके साथ भैया कासिम होते थे। आका बाबा तन्हा क्यों नजर आ रहे हैं? इमाम ने कहा बेटे सब कत्ल कर दिए गए, मर्दों में अब कोई तुम्हारे और मेरे अलावा बाकी नहीं आए। ये जुमला सुना तो जनाब सैयद सज्जाद ने कहा फूफी अम्मा मुझे एक असा ला के दीजिए, मुझे शमशीर दीजिए। इमाम ने कहा बेटा ये असा और शमशीर किस लिए? कहा असा का सहारा लेकर शमशीर से जिहाद करूंगा, ताकि फर्जंदे रसूल के कदमों में निसार हो जाऊं। फर्जंदे रसूल हुसैन, फर्जंदे रसूल हुसैन, फर्जंदे रसूल, फर्जंदे रसूल की नुसरत करूं। इमाम ने फरमाया नहीं, तुम्हारे ऊपर जिहाद साकित है इस वक्त, तुम्हें जिंदा रहना है, तुम्हारे जरिए से सिलसिले इमामत को बाकी रहना है। वसीयतें फरमाई, सब्र और तहम्मुल की ताकीद फरमाई, दिलासा दिया, असरार इमामत तलकीन फरमाए और उसके बाद एक एक से रुख्सत हुए, खैमे से बाहर तशरीफ लाए। और एक मर्तबा ये बराबर आप सुनते रहते हैं मजलिस से पहले शेर की जबान में भी ये रिवायत बयान हुई है, जब भी इमाम सवार होते थे,
तो सवार करते वक्त कभी अब्बास होते थे साथ में, अली अकबर होते थे, अस्हाब होते थे, आयजा होते थे, अकरबा होते थे, बड़ी शान से इमाम अपनी सवारी पे सवार होते थे, कोई लेजाम फरस थामता था, कोई रकाब थामता था, इमाम सवार होते थे। अब इमाम ने एक मरतबा दाई जानिब देखा, बाई जानिब देखा, नबारा यमीनन व शिमाला, बेकसी से नजर डाल रहे हैं, कोई नजर नहीं आता। जनाब ज़ैनब ने ये देखा और कदम खैमे से बाहर निकाला, भैया अगर अब्बास नहीं है तो मैं मौजूद हूं। बस ज़ैनब की खिदमतें शुरू हो गई, बीबी ज़ैनब की खिदमतें शुरू हो गई। ज़ैनब का कारनामा, ज़ैनब का कारनामा, ज़ैनब वो है जिसने हुसैन को मैदान में भेजा। ज़ैनब वो है जिसने हुसैन को मैदान में भेजा है। हुसैन घोड़े पे बैठे और उसके बाद फिर रुख किया खैमे की तरफ, या सकीना, या फातिमा, या ज़ैनब, या उम्मे कुलथूम, अलैकुन्न मिन्नि सलाम, तुम सब पर मेरा आखिरी सलाम। बीवियों का कलेजा कैसा फट गया होगा, बाबा आका कह रहे आखिरी सलाम, ये अंदाज ही अजीब होता है, ये अंदाज अजीब होता है, तुम पर आखिरी सलाम। अरे कोहराम तो उसी वक्त बर्पा हो गया। हुसैन चले, हुसैन आगे बढ़े। अब यहाँ पर वाइज़े अफगानी की रिवायत है, फरमाते हैं कि अब तक तो मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था, बस आका नजर आ रहे थे, भैया नजर आ रहे थे, हुसैन नजर आ रहे थे। ये अब जनाब उम्मे कुलसूम फरमाती कि भैया नजर आ रहे थे, लेकिन जब घोड़े पर बैठ कर रवाना हुए तो मैंने देखा घोड़े के पीछे पीछे कोई है जो दौड़ रहा है। मुझसे ठहरा नहीं गया, मैं खेमे से बाहर आ गई। मैंने कहा भैया भैया, हुसैन रुके, कहा भैया ये मैं क्या देख रही हूँ। कहा बहन, जब अकबर मैदान में गए थे तो अकबर के घोड़े के पीछे मैं दौड़ रहा था, इसलिए कि अकबर मेरा फिदिया था, मुझे मेरे नाना रसूलुल्लाह रुख्सत कर रहे हैं। हुसैन अलविदा, हुसैन अलविदा, हुसैन शाम गरीबा वो तीरगी वो ज़ैनबे हज़ी वो हिफाज़त ख़याम की आया वो एक सवार करीबे ख्याम शाह बेटी अली की वैज नसुए फरस बढ़ी नकाब चेहरे से अपने सवार ने पेश निगाहे ज़ैनबे
मज़लूम थे अली हर चंद साबरा आए हो बाबा जब लुट गए